हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विक्टर भारद्वाज। एंड पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने सीखा था कि कैसे इम्परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते, बट आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकाला जाता है बाय द ट्रिक विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 841, इसका स्क्वायर रूट निकालना हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड से पेयर करना शुरू करेंगे। तो पहला पेयर बनेगा 41, एंड फ्रेंड्स यहाँ पे 8 अकेला था तो इसलिए इसको अकेले में पेयर कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ 1 है, सो वी विल सी इन द टेबल कि किसके स्क्वायर में 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है 1 के स्क्वायर में एंड 9 के स्क्वायर में, तो वी विल राइट। सो फ्रेंड्स इससे ये बात तो कंफर्म हो रही है कि इसका जो रूट आएगा उसके लास्ट डिजिट में 1 या 9 होगा, बट 1 या 9 होगा। सो वी हैव टू फाइंड कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट डिजिट फाइंड करेंगे पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ 8 है, तो हम लोग टेबल में देखेंगे 8 इज लाइंग बिटवीन विच टू नंबर्स। तो 8 लाइक कर रहा है 4 एंड 9 के बीच में, विच इज अ परफेक्ट, विच इज अ स्क्वायर ऑफ 2 एंड 3। तो हम लोग छोटा वाला नंबर को ले लेंगे, दैट इज 2। उसके बाद फ्रेंड्स इन दोनों में से कोई एक डिजिट हमें यहाँ लिखना है, बट नहीं पता कि क्या लिखना होगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या करेंगे, 2 के अगले डिजिट के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3 करेंगे, दैट इज 6। अब हमें देखना है कि अगर 8 इससे छोटा है, 8 इससे छोटा है तो हम लोग छोटा नंबर लेंगे, और अगर 8 इससे बड़ा है तो हम लोग बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, 8 बड़ा है 6 से, तो वी विल टेक द बिगर नंबर 9। सो फ्रेंड्स 841 का स्क्वायर रूट आ गया, दैट इज 29। सो फ्रेंड्स चलिए ऐसे कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 3364, इसका रूट निकालना हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट मतलब राइट साइड से पेयर करेंगे। तो राइट साइड से पेयर करेंगे तो 2 पेयर बनेगा, एक 64 का एंड एक 33 का। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे टेबल पे कि 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है। तो 4 तो पहले 2 के स्क्वायर में आ रहा है एंड 8 के स्क्वायर में आ रहा है, तो वी विल राइट 2 एंड 8। तो फ्रेंड्स इससे ये बात तो कंफर्म हो रही है कि इसका जो रूट आएगा उसके लास्ट डिजिट में 2 नहीं तो 8 होगा, तो वही हमको फाइंड करना है। तो ये हमें फाइंड करना है, तो पहले फर्स्ट डिजिट फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ 33 है, तो हम लोग देखेंगे टेबल में 33 किन दो नंबर्स के बीच में लाइक कर रहा है। तो 33 लाइक कर रहा है 25 एंड 36 के बीच में, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5 एंड 6। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, छोटा वाला नंबर ले लेंगे, दैट इज 5 ले लिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक डिजिट यहाँ लिखना है, बट वी डोंट नो क्या कौन से डिजिट लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 5 है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय द नेक्स्ट डिजिट, अगले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 6 दैट इज 13। अब हम लोग देखेंगे कि 33 से अगर ये छोटा है तो हम लोग छोटा नंबर लेंगे, और 33 से अगर ये बड़ा है तो हम लोग बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, 33 बड़ा है 30 से, तो हम लोग बड़ा वाला नंबर लेंगे, दैट इज 8। सो फ्रेंड्स 58 हमारा स्क्वायर रूट निकल कर आ गया 3364 का। सो फ्रेंड्स बाय फॉलोइंग दिस रूल आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इजीली। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई देन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।